किसान बिल के विरोध में लगभग दो सप्ताह से आंदोलित किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान को देखते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG दावा शेरपा, मंडलायुक्त जे नालिकर, DIG रेंज राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP जोगेंद्र कुमार, SPCT राकेश कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के द्वारा भारत बंद को देखते हुए 8 दिसंबर को सुबह 7 बजे से ही पेट्रोलिंग की जाए तथा किसी भी दशा में कोई भी हुजूम प्रदेश के अंदर प्रवेश न करने पाए। ट्रैक्टर ट्राली से जाने वाले लोगों की जांच की जाए तथा कानून व्यवस्था सामान्य बनाई रखी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि व्यापारी संगठनों से सौहार्दपूर्वक वार्ता कर भारत बंद को असफल बनाने का प्रयास किया जाए जिससे स्थिति सामान्य बनी रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश से सटे जिलों में विशेष चौकसी बरती जाए और किसी भी दशा में प्रदेश में कोई उपद्रव ना होने पाए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इससे पूर्व की हम लोग हमारी सुने छोटे बिंदु आपको के संज्ञान में और अभी से उनको आपको बोलना चाहता हूँ दौरान भी अपनी समर्थन और सहभागिता का उल्लेख किया है। तो इस चीज में हमें बहुत ध्यान देना है कि मोबिलाइजेशन इस प्रकार का संभव है जिससे शांति व्यवस्था की स्थिति बहुत प्रभावित है और इसके लिए हमको हर दशा में तैयार रहना है। हम लोगों ने विस्तार से बात की है, कल भी बात किया है, आज भी दिन भर बात किया है, हम संवाद बनाए हुए हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलिंग इसका की है, की वर्ड है। अगर पेट्रोलिंग प्रभावी होगी तो किसी भी प्रकार के निश्चय से हम लोग बच सकते क्योंकि जैसा वजह से हमारे अधिकारी सेक्टर स्कीम के तहत मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी मोबाइल हो जाए उसको भी पिकेट के रूप में लगाया जाएगा इम्पोर्टेंट जगहों पे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज कि जो हमारे बॉर्डर से हमने निर्देश भी परसों जारी किए हैं आप सबको किसी भी दशा में बॉर्डर पर जमा नहीं होने देना है लोगों और गाड़ियां जो जा रही हैं उनको 5-5 किलोमीटर पर कम से कम 4 या 5 लोगों के बिंदु जो बनाए गए हैं आज तक देखा गया वीडियो पर उन पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं रखा गया। यह बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां ट्रॉलियां और जो मजदूर संगठन के नेता है उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। आज भी आप लोगों को निर्देशित किया गया था, आपने व्यापार संगठनों से बात की है, कल व्यापारिक प्रतिष्ठान बसे रेल की सेवाएं हमको सामान्य करनी है, बातचीत करके ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट करके और उनको अनुरोध करके ये देख लेना है कि कोई भी व्यवस्था अव्यवस्था में गड़बड़ ना होने पाए।